सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर गिराया है। एक और आतंकी के छिपे होने की खबर मिल रही है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। मारे गए आतंकी लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। कुलगाम के चौगाम में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। अपडेट आपको दे दे कि 5 आतंकी इस वक्त सुरक्षा बलों के जवानों के जरिए ढेर कर दिए गए हैं। तो कुलगाम के चौगाम में इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कुलगाम मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए हैं। एक आतंकी के और छिपे होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सेना के जवान इस वक्त मौके पर हैं और जो आतंकी मारे गए हैं उनका ताल्लुक लश्कर और हिजबुल से बताया जा रहा है। खालिद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। खालिद, 5 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी मिली, इस वक्त क्या कुछ हालात? देखिए निस्संदेह एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। पश्चिमी कश्मीर के इस इलाके में जहाँ मिलिटेंटों का भी होल्ड है, वहाँ पर 5 मिलिटेंट्स को एक एनकाउंटर में मारा जाना और इसमें बताया जा रहा है कि एक गुलजार पड्डर है जो A++ कैटेगरी का एच एम का मिलिटेंट था, जिस पर करीबन 10 से 12 लाख का इनाम भी था, उसको भी इसमें मार गिराया गया है। और अभी ऑपरेशन जारी है, हालांकि फायरिंग रुक गई है, लेकिन एहतियातन जो कॉर्डन है वो लगा के रखा है और बॉडीज अभी रिट्रीव नहीं की गई है। कोशिश की जा रही है कि रूम टू रूम इंटीमेशन हो और साथ ही साथ इस एक घर जिसमें वो छुपे हुए थे उसको विस्फोट भी किया गया है। और 5 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है, हालांकि बॉडीज अभी रिट्रीव नहीं हुई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन निस्संदेही इस इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा का ज्वाइंट जो ये मिलिटेंट ग्रुप वहां पर छुपा हुआ था, उसको खत्म करना, उसको एलिमिनेट करना एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, और वो भी उस वक्त जब राज्य में पंचायती और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव। बिल्कुल खालिद, आपसे यातायात से जुड़ा सवाल भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बता दीजिए, क्या मोस्ट वांटेड आतंकी गुलजार के मारे जाने की भी खबर पुख्ता हो चुकी है? देखिए अभी जब तक डेड बॉडीज रिट्रीव नहीं होंगी, लेकिन ये है जरूर है कि इनपुट था कि जो 5 मिनट वहां पर छुपे हैं उनमें एक गुलजार पटर भी है, इसलिए माना जा रहा है कि इसमें जो है गुलजार पटर भी मारा गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि तभी होगी जब शव के शव बरामद होंगे। जी खालिद, आपसे कुछ यातायात को लेकर भी सवालात यहाँ पर जानना चाहेंगे। आवाजाही को लेकर क्या ट्रेनों में किसी तरह का बदलाव या रोका गया है? देखिए श्रीनगर से बारामूला जो एकमात्र यहाँ रेल सर्विस चलती है उसको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनों के उत्पन्न होने की आशंका रहती है, इसके चलते उसको स्थगित कर दिया गया है। साथ ही कुलगाम, अनंतनाग और शुपियन, पुलवामा, इन इलाकों में इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि इससे अफवाहें फैलती हैं। इसके चलते पूरे लॉ एंड ऑर्डर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट मारे गए हैं वो सभी स्थानीय हो सकते हैं, जिसके बाद प्रदर्शनों का सिलसिला हो सकता है, उसको रोकने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं। जी खालिद, पिछले 48 घंटों की बात करें तो 12 आतंकियों का खात्मा यहां पर हो चुका है। ये सिक्के की 2 तस्वीरों को क्या दिखाता है कि एक तरफ आतंकी किस तरह से अपना खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं, और दूसरी तरफ ये कि कितने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता है और खात्मा भी किया जाता है कमांडर्स का तक का? देखिए बिल्कुल, पिछले अगर हम गुर्जरों से बात करें तो अब तक जो है कई मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। हालांकि उत्तरी कश्मीर में जो ऑपरेशन हुए थे उसमें भी करीबन 4 मिलिटेंट्स मारे गए थे, उसके बाद 2 और मिलिटेंट्स मारे गए, आज फिर ये 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। और निस्संदेह ऑपरेशनों में तेजी ला दी गई है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के संपन्न होने के बाद जो फोर्सेज उसमें इन्वॉल्व थे उसकी सिक्योरिटी में वो भी फ्री हुए हैं, उन्हें भी अब ऑपरेशनल फोर्सेज ऑपरेशनल ऑपरेशन में लगा दिया गया है, जिससे ऑपरेशन में तेजी आई है। जी शुक्रिया खालिद जानकारी के लिए आपका। तो जानकारी आप तक पहुंचा दे कि सुरक्षा बलों के जवानों के जरिए 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, 5 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकी लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से बताए जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है और साथ ही कुछ और आतंकियों के जो छिपे होने की आशंका जताई जा रही है उसे लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को भी ढेर किया जा सके जिनके छिपे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मोस्ट वांटेड आतंकी गुलजार पेडर के भी खात्मे की खबर इस दौरान सामने आ रही है।